Hello guys, this is your Herbert Bike Aditya. I'm back with another video. In this video, I'm just going from to my home from Faridabad city. Yeah, it's about 33 kilometers. I'm just riding here. So मैं इनसे आपके लिए एक छोटा सा वीडियो ही बना लेता हूँ. इसमें मैं थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करने वाला हूँ. That's it, और कुछ नहीं. I'm not going to ride it much extreme, but फिर भी अपने वे से चलाऊँगा. एंजॉय करने के लिए तो एंजॉय दिस 40 किलोमीटर्स जैसे. अभी जस्ट मतलब मैं काफ़ी अच्छा खासा मतलब मस्त फिल्ट्रेशन कर रहा था. मैंने सोचा आपके लिए वीडियो भी बना लेता हूँ. इतने में और गया यार. स्पीड वाले कार खुद ही अच्छी खासी स्पीड पे चल रहे हैं यार. इंटरसेप्टर 80 भी चल रहे हैं या नहीं 90 इधर क्रूजिंग और 90 ठीक है भाई. हम भी क्रूज कर लेते हैं इनके साथ साथ ही. और यार देखो मैं ना सच बताऊंगा इस कंटेंट को लेकर ना अपने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि किस टाइप का डालूँ. या तो फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि थोड़े से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालूँ या राइडिंग वगैरह के ही डालूँ थोड़े से मतलब एंटरटेनमेंट के मस्ती वाले. क्योंकि हम गाइस ग्रुप में जाते हैं, हम बहुत मस्ती वस्ती करते हैं. मैं वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं करता वैसे. आई थिंक सो मुझे सर वो करना चाहिए. बट फिर अब तक मेरे को ये भी रहा है कि मैंने आज तक मतलब जो कंटेंट बनाया है वो सब इन्फॉर्मेटिव ही बनाया है. एंटरटेनमेंट तो थोड़ा मैंने कम ही बनाया मतलब. अरे भाई चले यार भाई की वजह से थोड़ा सा मैं आराम से कर रहा था लेकिन वो बताइए भाई सब हमारे बहुत मस्त हो गए चल रहे. तो मेरे को ना इसके लिए टाइकिंग पैंट भी लेने हैं क्योंकि मेरा पैर ना थोड़ा सा स्लिप होता है टाइकिंग पे और लीनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कि मेरे पैर एकदम स्टक रहे हैं. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से लूँ क्योंकि ना ऑनलाइन जितना भी सामान अवेलेबल है RC390 का वो पिछली जनरेशन का है. इस जनरेशन के एक्सेसरीज ही नहीं है यार. देखो टैंक पैड तो बहुत कॉमन चीज़ है, देखो किसी भी बाइक का लग जाएगा वैसे, ऐसी बात नहीं है. बट बाकी के एक्सेसरीज मैं लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा मतलब ऑनलाइन. ऑफलाइन मार्केट में से डेली मिल जाए करोल बाग वगैरह में देखेंगे. चलो लेट्स सी
थोड़े बहुत चीज़ें मुझे इसके लिए लेनी है वैसे, और मैंने एक बेस में क्रैश गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, मे भी शायद मैं ना लगाऊं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लीन करूँगा इसको, तो ज़्यादा लीनिंग के लिए वो ठीक नहीं है। और काफ़ी लोग ना गाइस पता क्या करते हैं, हैंडल को ना बिल्कुल अंदर की साइड से पकड़ते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कभी नहीं पकड़ना होता, थोड़ा सा बाहर से पकड़ा करो जब तुम थोड़ा सा हाई स्पीड में चला रहे होते हो, क्योंकि जब हम अंदर से पकड़ते हैं तो जो हमारा हाथों का वेट होता है हैंडल पे आता है वो नहीं आना चाहिए, और हमारे हाथ थोड़े से ऐसे होने चाहिए, हल्के से मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए, कोनी मुड़ी हुई थोड़ी सी, इससे फिर कभी भी ना टायर वॉबल, इसका हैंडल ऐसे वॉबल नहीं करेगा, आपको पता होगा टायर वॉबल के बारे में, तो वो फिर बहुत खतरनाक सीन हो जाता है। और क्योंकि मैं भी इसको मतलब जब शुरू में चला रहा था तो मैं भी हाथ ना अंदर करके चला रहा था, तो एक दो बार क्या वो फिफ्थ गियर में मैंने फुल रेस देकर, मैंने रेस जैसे मतलब प्रॉपर भगा रहा था, मैं फुल रेस दे रखी थी, मैंने क्लच छोड़ा, हल्का सा बेबी पॉप वो बहुत माइनर सा, उससे फिर वॉबल करने लग गई, क्योंकि क्या होता है जब टायर हवा में उठता है और दोबारा से नीचे आता है ना फ्रंट वाला, उसके बाद ही हमेशा बाइक वॉबल करती है। बेस्ट सॉल्यूशन यही है मेरी सेगमेंट की, जो मतलब ये 400 300 सीसी की बाइक्स हैं इसमें कम होता है, बट जब तुम लीटर क्लास में जाओगे उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें पावर ज़्यादा है, हल्का सा भी तुम इतना सा भी मतलब क्लच जल्दी छोड़ दोगे थ्रॉटल करके व्हील हल्का सा पॉप तो होता ही है। बेस्ट तरीके यही है वॉबल से बचने के कि टायर प्रेशर सही मेंटेन रखो, या फिर स्टीयरिंग टेम्पर लगा के रखो, और ग्रिप ऐसे रखो वो फिर वो डेथ वॉबल ग्रिप उठाती है, तो हाथ थोड़े से बाहर की तरफ रखो, यही है तरीके बचने के, क्योंकि अगर जब वॉबल करना शुरू होता है तो गाइस उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ऑन हाई स्पीड्स। ब्रेक्स तो कभी नहीं मारना, जितना ब्रेक मारोगे टायर धीरे होगा वॉबल बढ़ेगा। सो यही मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, क्योंकि 390 में मैंने थोड़ा बहुत वॉबल फील किया था शुरू में, फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। चला रहा ना उस दिन में बहुत होते हैं यार ऐसे बहुत, इनको पता नहीं चलता एकदम से लेन चेंज कर लेते हैं फिर।
इतनी अच्छी खासी रोड थी यार, खुद दी उन्होंने सारी ये। इनको भी यार रोड बनाने के बाद ध्यान आता है पाइप डालना। मतलब इस हाईवे को मैं 5-6 सालों से देख रहा हूँ, कभी परफेक्ट तो रहने नहीं देते, कभी क्या चल रहा है कभी क्या चल रहा है। अब तो कोई नीड भी नहीं थी यार इतनी बढ़िया, क्या बताऊँ। तो मैं इस पॉइंट पे ना थोड़ा सा कर रहा है, मज़ा आता था हाईवे बनाने में। अब नीचे आके हमें स्लो स्लो जाना पड़ता है यार। हमारे ऑलमोस्ट वैसे पता है 30 किलोमीटर हो चुके हैं, 2-3 किलोमीटर लास्ट रहते हैं अब। एक बार ना मैं देखूंगा कि कैमरे के रिकॉर्डिंग से इस फुटेज की लेंथ कितनी है टोटल, अनएडिटेड, तो मुझे आइडिया लगेगा कि मैंने कितनी देर में मतलब कर लिया। कुछ मोमेंट्स में मैंने स्लो भी करी थी, मतलब जैसे अभी फिलहाल, ये नहीं कि मैंने पूरे टाइम मतलब बताता था, कुछ टाइम आपसे बात भी करी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। बट यार फिर भी मेरा ना पता है इन 30 किलोमीटर्स का मैंने एक बार कॉलेज का मेरा एग्ज़ाम था, काफ़ी साल हो गए इस बात को, तो मैं हो गया था लेट जाम की वजह से, मेरे वहाँ पे जाम था, पुल में कंस्ट्रक्शन का काम चला था इस वजह से, तो मैंने 12 मिनट्स में 30 किलोमीटर्स करा था अपनी कार से। तो अब डेफिनेटली देखो मेरे पास फूड पाइक है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट मैं अपना वो रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ किसी दिन, वो भी तोड़ेंगे कभी मौका मिलेगा जब। बारिश तो आएगी गाइस, देख लेना बारिश तो आएगी, इस पे बम्स हैं यार, नींद नहीं कर सकता ज़्यादा। वैसे एक बात देखी जाए तो मेरे बाइक में कुछ भी और कराने की नीड नहीं है, बस एक बार इसमें स्लीक्स लग जाएं तो ये ट्रैक रेडी है। अभी तो देखो करेंटली मैं नहीं सोच रहा जाने का, बट इन फ्यूचर थोड़ा टाइम बाद मैं सोचूंगा, जब मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मतलब मेरा बजट वगैरह अच्छा है। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, दिस इज योर हार्टब्रोकन बाइकर टेक, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इट वाज जस्ट शॉर्ट वीडियो शॉर्ट राइड, ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब बस मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रैफिक फिल्ट्रेशन किया, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, ट्रैफिक था ही नहीं इतना, खैर आज बिकॉज इट्स अ संडे मॉर्निंग। सो दैट्स इट फॉर दिस डे, दिस इज योर हार्टब्रोकन बाइकर टेक साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस सून, सब्सक्राइब भी कर लेना यार, काफ़ी टाइम से मैंने आपसे बोला भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर लेना प्लीज़। Bye.